फाउंडेशन ने बालापुर में 151 निःशुल्क सिलाई मशीनों का वितरण किया। अली फाउंडेशन जाफर अली उर्दू हाई स्कूल बालापुर में अली फाउंडेशन दिन खतीब सामाजिक कार्यकर्ता रफीक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पूर्व बालापुर शहर अध्यक्ष मोहम्मद जमीर द्वारा विशेष मार्गदर्शन कर पत्रकार शंकर जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील राठी, गुर्जार कंप्यूटर बालापुर के साजिद इकबाल और अली फाउंडेशन के सचिव मोहम्मद, इस समय अली फाउंडेशन के सचिव मजहर अली को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रवीण तपारे, सामाजिक कार्यकर्ता हाजी मुदाम खान, सौरभ चौबे, दिनेश बुंदेले, शाहबाज खान, यूसुफ शेख और अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में गरीब महिलाओं को 150 सिलाई मुफ्त दी गई। आज तक के अली फाउंडेशन ने 2751 सिलाई मशीनों को मुफ्त वितरित किया। अली फाउंडेशन द्वारा 100 प्रशिक्षियों को प्रशिक्षित भी किया। इस कार्यक्रम में तनवीर दरोगा, गुलाम अकील, असमा परवीन, मोहम्मद जाफर, अक्सा फिरदोश, इरशाद परवीन और अन्य का कई लोगों का समर्थन था। नाजमा अंजुम मोहम्मद जाफर ने कार्यक्रम का संचालन किया और साजिद इकबाल ने दर्शकों का धन्यवाद किया। ये थी हमारे रिपोर्टर यूसुफ शेख की रिपोर्ट। बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची कुछ पढ़ना जानती? मेरी झल्लो बहुत होशियार, पूरी अंग्रेजी में बात करती, क्या फर पर बोलती। पहले आप उसका मुंह में से अंगूठा निकालिए। क्या वो झल्लो बैठे बैठे मुंह में अंगूठा डाले बैठी, सर सुना मैडम को ए टू जेड। ठीक है, अपने एड्रेस बताइए। झल्लो के एड्रेस के बात कर रहे, ये चीत को सिलाया, अच्छा है ना? अरे मैडम अपना पता बताओ। तो ऐसा बोलो ना मैडम, यहाँ से आगे जाकू एक गली आती, गली को लगकर एक बिल्डिंग है। तो वहाँ रहते आप? नक्को बाबा, वहाँ से आगे जाकू एक नाला आता, नाले को लगकर एक हरी मस्जिद है। तो वहाँ रहते आप? नक्को बाबा, वहाँ से आगे जाके एक चाट मसाले वाली की दुकान आती, वहीं से मेरी झल्लो उंगलियाँ चाट चाट के चाट मसाला खाती। ठीक है, हम आपका एड्रेस। वहीं अजहर अली के कार्य को देखते हुए दिल्ली में विशाखा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अजहर अली को सम्मानित किया गया, जिसमें इसी कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास जी अठावले के हाथों अजहर अली को ये पुरस्कार दिया गया, जिसको लेकर पूरे शहर में उनकी अभिनंदन हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।